अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज जरा बतूल के किचन में बन रहे शीर खोरमा। तो अब ये इस पानी उबलते में हमने डाला है आधा टीस्पून नमक, तो ये एक कटोरी हमारी मोटी वाली सेवियां। सेवियां हमारी इतनी उबल गई हैं कि अब बाकी जो है इसकी कसर दूध में गल जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। अब छान रहे हैं हम सेवियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें मिला रहे हैं दूध। दूध हमारा है 1 किलो 1 पाव। दूध गर्म हो जाएगा, इसको उबाली आ जाएगी, फिर इसमें हम डालेंगे सेवियां। अब इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी है अपने मीठा अपने पसंद के मुताबिक जैसे डालना है। इसके बाद आएगा इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। दूध को उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे सेवियां। अब ये उबाल इसको आ गया है, सेवियां हमारी गल गई हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कुछ जो मेरे पास है वो ये किशमिश, और किशमिश के बाद इसमें डाल रही हूँ ये छुहारे। छुहारे तो बिल्कुल नहीं मिले, जो खजूर जैसे हैं। पहले जब मेरी मम्मी बनाया करती थी ये शीर खोरमा, तो वो ना इसमें घी डालती थी। हमने तो इसमें खाली वो ही डाला है जो दूध है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला जैसे और कोई चीज। इसके ऊपर मैं ये 2 टीस्पून कोकोनट पाउडर के 2 चम्मच डाल रही हूँ। और माशाल्लाह ये रेडी हो गया है, ठंडा हो जाए तो इसको डिश आउट करेंगे। अब ये ठंडी हो गई है, अब इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये आ गए इसके ऊपर बादाम गार्निश कर रहे हैं। और ये आ गए पिस्ते। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये ईद का दिन है, मीठा ऐसा शीर खोरमा अगर पसंद आए तो आप भी बनाना, खाना और खुश होना, और मुझे दुआओं में भी याद करना। और मेरे बच्चे खा के फिर ना ये बताओ, कमेंट करो मुझे कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो चलो खुदा हाफिज़, मिलेंगे दूसरी रेसिपी में।